अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे पम्पकिन मीठा कद्दू भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलेंगी। 700 ग्राम पम्पकिन लिया है यहाँ पे मैंने, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मसाले जो जाएंगे, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, ज़ीरा 1 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कलौंजी, 4 पिंच अजवाइन, रेड चिली होल 4 और 7, ऑयल 2 कप घी, 3 और 4 टेबल स्पून इमली। एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। देखें, ऑयल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। इस स्टेज पे हम रेड चिलीज होल ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम सॉटे करेंगे। जब तक कलर इसका चेंज नहीं हो जाता हम सॉटे करेंगे। रेड चिलीज हम हाई फ्लेम पे सॉटे करेंगे। अब देखें, कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हमने जो मसाले लिए थे वो ऐड कर लेंगे, सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे, तो चने मसाले ऐड कर देते हैं। इस स्टेज पे स्टोव मीडियम लो कर लेंगे। अब चलें, इसको तब तक सॉटे करना है जब तक इसमें से अच्छी अच्छी खुशबुएं ना आने लग जाएं, जीरे की, मेथी दाने की, अजवाइन की। देखें, खुशबुएं अच्छी तरह से आने लगी हैं और मेथी दाने का जो कलर है वो भी डार्क हो गया है और चटक भी रहा है। इस स्टेज पे हम पहले तो फ्लेम जो है वो मीडियम लो कर देंगे और पम्पकिन है वो ऐड कर देंगे। पम्पकिन डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे जो हमने सॉल्ट बचा के रखा था वो ऐड कर लेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जितने मसाले हैं वो पम्पकिन में अच्छी तरह से लग जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे कवर करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक गल ना जाए। अच्छा, बीच बीच में से हम लोग मिक्स करते जाएंगे ताकि जो पम्पकिन है वो नीचे लगे ना। देखिए, फर्स्ट टाइम तो जो मैंने ढक्कन खोल के देखा था और मिक्स किया था और दोबारा ढक्कन लगा दिया था, तो उस वक्त इतनी गली नहीं थी। अब देखिए, पम्पकिन थोड़ा सा गल चुका है। अब इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद दोबारा से हम कवर कर लेंगे। कवर करके फिर से गलने के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर से मैश करेंगे। तो चलिए, देखिए हमने मैश कर दिया है जितना मैश हो रहा है। अब इसको कवर कर लेंगे और 5 मिनट तक और कुक करेंगे। देखिए, तकरीबन 5 मिनट और हो चुके हैं। इस तरह से कुछ हमारा पम्पकिन लग रहा है। इस स्टेज में हम 2 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए और थोड़ा सा और जो है वो मैश कर लेंगे इस तरह से। देखिए, अच्छी तरह से गल भी चुका है, मैश भी हो चुका है। अब स्टोव जो है हाई करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो चलें, भून लेते हैं। और इस स्टेज पे जो हमने इमली का पल्प रखा था वो ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। आप भी ऐड कीजिएगा, खुशबू के लिए होता है और बहुत अच्छा लगता है। फ्लेम हमारी हाई रहेगी, मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। देखिए, तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है, पम्पकिन तैयार है। बहुत देखा कितना इजी है बनाना, डिश आउट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलेंगी, तो अगर आपने नहीं दबाया है तो प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।